जिस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ऐलान किया गया था उसी को देखते हुए एक तरफा जो है इस मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ चुकी है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ में यहाँ पे बम पटाखों से जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी ये तस्वीर जो है अपने आप में बयां कर रहा है। आप देखिए भीड़ जो है इस मैदान में जो है पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखेंगे जो है लाखों लोग हैं, एक आवाज पर पूरा मैदान भर चुका है, पूरे मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देखें किस तरीके से नई नई तस्वीरें आपके सामने आ रही है। जी सर, सैलाब जा रहा है, इसे जनता को दिखाइए। जो लोग टीवी मीडिया के लिए झूठ झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं, ये पूरी भीड़ आपको लगातार एक किलोमीटर तक दिखती रहेगी। राहुल जी का ये जनसैलाब है और ये पूरी तरीके से बदलाव का जनसैलाब है। अब इस सरकार को तानाशाही भीड़ नहीं है। अरे कैसे भीड़ दिखाइए, कैमरामैन भीड़ दिखाइए, ये राहुल जी की भीड़ है। ये पूरी तरीके से जनता उनको एक झलक पाने के लिए पूरी तरह से सड़कों पे दौड़ रही है। ये भीड़ दिखाइए जिस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, ये मोदी की भीड़ नहीं है, ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये जनता की भीड़ है। और जनता का जनादेश ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नारंगी बजरंगियों का खाता होगा। उड़ रही है धूल, सत्ता पलट रही है, धूल देख रहे हैं उड़ रही है, तो ये धूल उड़ रही है, ये बदलाव की धूल उड़ रही है। ऐसी पद यात्रा आपने नहीं देखी होगी। ये सरकार अब देख ले, आंखें खोल ले कि जिस तरीके से जनता राहुल गांधी के साथ है अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जो लोग धमकियां देते हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं, हमारा नेता शेर है और हमारे नेता का 56 इंच का सीना है। ये मोदी जैसे रो रो के जीना नहीं है, इन्होंने रोने का काम किया। किस तरीके से जो है राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर निकल रहा है, भीड़ है, जनसैलाब इस यात्रा में आगे बढ़ता हुआ तरीके से आ रहा है। इस यात्रा में जो है भीड़ नहीं है, तो आप जो है ग्राउंड को देख सकते हैं किस तरीके से लाखों लोग जो है राहुल गांधी के साथ करने से कदम मिला कराने बढ़ते हुए फोन लगाने के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है राहुल गांधी के साथ लाखों लोग मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है रोड पर नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की टिप्पणी की जा रही थी, लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें जो है बयां कर रही है किस तरीके से जो है लाखों लोग राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी, फिलहाल मौजूदगी है हमारी इंदौर में, वही इंदौर जहां से जो है राहुल गांधी को धमकी मिली थी। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी को धमकी मिली थी उसी शहर में खड़े हैं, डर लग रहा है? देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है कि डरेंगे नहीं, ना डरेंगे ना झुकेंगे। जो ये यात्रा है हमारी, ये पूरी सद्भावना की यात्रा है। जिस तरीके से आज देश में नफरत, मैं अभी इंदौर के शहर में मैं एक वहां गया था, वहां गाड़ी खड़ी हुई थी आरएसएस और बीजेपी के लोग जिस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे, क्या आज देश में सड़कों पे चलने के लिए आज देश को आजादी को छीना जा रहा है? हमारे राहुल गांधी जी ने इस आजादी को जिस तरीके से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का नारा दिया है। ये वही महंगाई है। जगह जगह बोर्ड लग गए हैं कि वीर सावर को पढ़ लो राहुल जी। देखिए, वीर सावरकर जो लगातार अंग्रेजों से जिन्होंने माफी मांगी, ऐसे वीर सावरकर कोई वीर नहीं हो सकते हैं। आज बताइए, मैं कहता हूँ जिस सड़क पे हमारे देश, हमारे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो उस सड़क पे देश के प्रधानमंत्री को चलने का कब उन्होंने चला? उन्होंने केवल झूठ पे झूठ। क्या महंगाई देश में नहीं है? क्या बेरोजगारी देश में नहीं है? ये सरकार कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई है। हम धमकियों से नहीं डरते हैं, हम ऐसी सत्ता जो बैठी हुई सरकार में है उस सत्ता से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज ये जो यात्रा है मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य भारत में पहुंची हुई है और ये जनता का जनसैलाब है, ये बता रहा है, ये राहुल गांधी का प्यार बता रहा है, ये राहुल गांधी का जनादेश बता रहा है कि देश में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, वो हमारे राहुल शेर हैं और शेर को कभी डर नहीं रहता है। जो लोग गीदड़ हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो घरों में रहते हैं और टीवी और न्यूज चैनल के जरिए उनको झुकाने का काम करते हैं, हम झुकने वाले नहीं है। मोदी शेर है, अरे मोदी कौन सा शेर है? मोदी शेर नहीं है, शेर हमारा देखे, हमारा शेर 56 इंच का दहाड़ते हुए आ रहा है, हमारा शेर सीधे आ रहा है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से डराना और धमकाना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये सरकार जो कहीं ना कहीं आज अहंकार में डूबी हुई है, बदलाव होगा, फिर बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि देखो जनता का जनादेश, जनता का जनादेश ही होता है, तो पता है कि देश में बदलाव होता है, बदलाव की ये आती है। और जो लोग कहते हैं उन्हीं का नाम राहुल गांधी है, बदलने के लिए हम चले और बदल के रख देंगे, तो
की सत्ता जो बैठी हुई है पूरी तरीके से नफरत को आघात कर चुकी है। हम नफरत नहीं, मामा की सरकार है सर। अरे मामा की सरकार, बाबा की सरकार, आप कल बोलेंगे काका की सरकार। इस देश में एक पढ़े लिखे की सरकार चाहिए। इस देश में जो रोजगार की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो महिलाओं की बात करे। आप बताइए बाबा रामदेव ने क्या महिलाओं के साथ, हम महिलाओं के साथ क्या अमरदयादित टिप्पणी करने का काम किया? कहीं ना कहीं इस सरकार ने क्या हुआ? कहीं ना ये सरकार महिलाओं के लिए, ये सरकार युवाओं के लिए, या क्या है? क्या इस सरकार ने इस देश की जनता के साथ कुछ न्याय करने का काम किया? कहीं नहीं न्याय हुआ है, न्याय नहीं है। पूरी तरीके से इन्होंने जुल्म करने का काम किया है। ऐसी जुल्म इस सरकार को देश में नहीं चाहिए। इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्यों, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे भाई पढ़े लिखे होते तो आज देश का युवा बेरोजगार होता, देश का युवा पकौड़ा तल रहा होता, कहीं ना कहीं देश का युवा नौकरी पाके और जॉब पे बैठा होगा। पूरी तरीके से ये झूठी सरकार है और अहंकारी सरकार है। ये देखिए राहुल जी का जनसैलाब जा रहा है, इसे जनता को दिखाइए। जो लोग टीवी मीडिया के लिए झूठ झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं, ये पूरी भीड़ आपको लगातार एक किलोमीटर तक दिखती रहेगी। राहुल जी का ये जनसैलाब है और ये पूरी तरीके से बदलाव का जनसैलाब है। अब इस सरकार को तानाशाही, भीड़ नहीं है। अरे कैसे भीड़ दिखाइए, कैमरामैन भीड़ दिखाइए, ये राहुल जी की भीड़ है। ये पूरी तरीके से जनता उनको एक झलक पाने के लिए पूरी तरह से सड़कों पे दौड़ रही है। ये भीड़ दिखाइए जिस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, ये मोदी की भीड़ नहीं है, ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये जनता की भीड़ है। और जनता का जनादेश ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नारंगी बजरंगियों का खाता होगा। धूल सत्ता पलट रही है, धूल देख रहे हो रही है, तो ये धूल उड़ रही है, ये बदलाव की धूल उड़ रही है। ऐसी पदयात्रा आपने नहीं देखी होगी। ये सरकार अब देख ले, आंखें खोल ले कि जिस तरीके से जनता राहुल गांधी के साथ है, अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जो लोग धमकी देते हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं, हमारा नेता शेर है और हमारे नेता का 56 इंच का सीना है। ये मोदी जैसे रो रो के जीना नहीं है, इन्होंने रोने का काम किया। कौन सा शेर है? मैं कहता हूँ मोदी जी दो कदम चलिए सड़कों पे, जनता आपको खोद रही है, जनता आपको कैसा स्वागत करेगी? हमारे नेता को गुलाब का राज करने के लिए विकास किया, हमारे हमारे नेता को गुलाब के फूल से स्वागत होता है। देश के प्रधानमंत्री सड़कों पे निकलेंगे तो उनका किससे स्वागत होगा, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। आज जरूरत है हमें अपनी लड़ाई की, और वो जनता लड़ाई लड़ रही है। हम इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। और बाबा रामदेव से कह दीजिएगा, बाबा रामदेव ने जिस तरीके से महिलाओं के अवैध टिप्पणी का प्रयोग किया है, और बाबा रामदेव भी, उनका भी बिजनेस इस देश में बंद होने का काम होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से है राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर निकल रहा है, भीड़ है, जनसैलाब इस यात्रा में आगे बढ़ता हुआ जिस तरीके से नजर है, इस यात्रा में जो है भीड़ नहीं है। तो आप जो है ग्राउंड को देख सकते हैं किस तरीके से लाखों लोग जो है राहुल गांधी के साथ करने से मुकाबला कराने बढ़ते हुए फोन लगा रहे, साथ ये यात्रा आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है राहुल गांधी के साथ लाखों लोग मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है रोड पर नजर आएंगे, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की टिप्पणी की जा रही थी। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें जो है बयां कर रही है किस तरीके से जो है लाखों लोग राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।